हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आया है डिफरेंशिएशन का लेक्चर 6। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं आप लोगों का कमेंट्स देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे उसका जवाब देने में बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और आप लोग स्टडी के प्रति कितना सीरियस है ये साफ साफ दिखता है। और मैं आपके स्टडी में पूरी आपकी मदद करूंगा, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, और आज हम आपको डिफरेंशिएशन का, और आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए और अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़िए, ये हमारी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ है। ठीक है, आज आपको डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6 आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जहाँ पिछले लेक्चर में हमने जहाँ तक छोड़ा था लेक्चर 5 में, उससे आगे हम लोग आज बढ़ जाएंगे। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये डिफरेंशिएशन हमने पढ़ाया था। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स पढ़ाया था। ठीक है, फिर हमने आपको ये भी बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x अगर है तो साइन 2x का भी अपन क्या सिखाया था आपको, कि आप क्या करें ना कि कॉस 2x एंगल में जो है वही सेम टू सेम लिख दीजिए, कॉस 2x इंटू 2 करा दीजिए। ठीक है, यही हमने सिखाया था। फिर बोला था आपको इसको बना दीजिए 2 cos 2x। ठीक है, यहाँ तक हमारी बातें हुई थी आपसे, ये ऐसे ही हमने आपको समझाया था। ठीक है, देखिए कई लोग जो डिफरेंशिएशन थोड़ा पढ़े होंगे आगे तक, उनको हो सकता है उनको डाउट सा आ रहा हो कि सर आपने तो बोला था साइन 2x का होता है 2 cos 2x, सर हमने तो ऐसा भी किया है। देखिए, मैंने तो इसका भी डिफरेंशिएशन किया डी वाई डी एक्स ऑफ साइन 2x + 3, तो सर हमने इसका भी डिफरेंशिएशन किया, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है 2 cos 2x + 3 और इंटू 2। कह रहे सर यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा था 2 आ रहा है, यहाँ भी आपका 2 आया था, बस अब तो चेंजेज मेरे को दिख रहा है सिर्फ एंगल में जो था, यहाँ पे 2x था तो 2x था, यहाँ पे 2x + 3 है तो यहाँ भी 2x + 3 है। ठीक है, और क्या हुआ है कि सर आप ये मेरे को बताइए कि ये वाला जो कांस्टेंट है सर, ये कांस्टेंट आप यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप वही कांस्टेंट सिर्फ लिख रहे हैं जो एक्स में वेरी, जो एक्स के साथ है वही कांस्टेंट लिख रहे हैं। हाँ भाई, वही कांस्टेंट लिख रहा है, उसी को मैं आगे आप समझाऊंगा आपको, आपको पढ़ाऊंगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो 0 होता है। मैं आपको समझाऊंगा आज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। देखिएगा दादा, मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये होता कैसे है। देखिए जरा, हमने आपको क्या सिखाया था कि जब भी साइन रहे तो साइन को हम लोग डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, साइन का होता है कॉस। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको साइन दिखे तो उसको क्या लिखिएगा, कॉस लिख दीजिए, और एंगल में जितना रहे उतना तो आपको लिखना ही लिखना है। 2x + 3 है, ये लिख दिया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल में जो रहे वो लिख देना। उसके बाद हमने आपको क्या सिखाया था कि भाई क्या करना ना कि एंगल वाले को भी डिफरेंशिएट करना। हमने क्या सिखाया था आपको कि एंगल वाले को भी डिफरेंशिएट करना। कह रहे सर ऐसा करे क्या कि 2x + 3 है, क्या हम इसको डी बाई डी एक्स ऑफ कर दे, डिफ्रेंशिएट कर दे? हम बोले हाँ भाई, इसको भी क्या करिए आप, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देखिए, जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। मैंने आपको रूल अभी नहीं पढ़ा है, आगे मैं सारा चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कैसे फंक्शन अगर कोई सम में होता है तो उसका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होता है। अभी बात सब समझिए, मैं आगे सब चीज़ बताऊंगा आपको। देखिए होगा क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, एक बार 2x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस फिर क्या होगा 3 का, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये भी आपको पढ़ाएंगे कि किसी वेरिएबल के साथ कोई फंक्शन अगर दिया है उसके साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है ना भाई, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है। कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है। हमने आपको लिमिट में पढ़ाया था, कब याद करिएगा जरा, मैंने आपको लिमिट में पढ़ाया था कि लिमिट x टेंड्स टू a, अगर मान लीजिए कोई c है कांस्टेंट इनटू fx है, तो हमने आपको क्या पढ़ाया था कि c बाहर हो जाएगा और फिर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a और fx। आपको याद आ रहे हो, हमारे लिमिट वाले क्लास को आपको याद कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें दिमाग में आएगा। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हम क्या कहेंगे आपको कि जो कांस्टेंट है ना भाई, उसको क्या करिए आप बाहर कर लीजिए। तो कांस्टेंट क्या है, यहाँ 2 है, तो 2 को आप बुलाइए बाहर, बुला लेते हैं इसको। तो कहते हैं भाई जब इसको बुलाएंगे तो बचेगा क्या, x बचेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन प्लस, अब देखिए 2 तो यहाँ पे क्या है,
ये कांस्टेंट थ्री क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, मैं अभी बोलता हूँ आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। अब याद कर लीजिए, अब एक मैं फार्मूला पढ़ाऊंगा वहाँ पे इसको करके भी दिखाएंगे आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कैसे होता है, ठीक है। तो अभी ये कांस्टेंट, जब भी आपको कहीं भी कांस्टेंट दिखे, कोई नंबर दिखे कभी भी कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख दे तो भाई को जीरो। तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, टू और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वन होगा। तो ये बन क्या गया, टू बन गया। तो होता क्या है कि एंगल में जो अगर कोई 2x के साथ कोई कांस्टेंट अगर सम में भी दिया है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां भी हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल में, वेरिएबल का जो कोफिशेंट होता है ना उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारी बातों को आप ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, हम क्या समझा रहे हैं आपको कि अगर एंगल में 2x प्लस 3 अगर किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट अगर ऐड भी है, तो हम एंगल जब कॉस का लिखेंगे वहां तो लिखेंगे, लेकिन जब फिर इंटू कराने की बात होगी तो हमको इस कांस्टेंट से लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना, आपको सब सब दिख रहा है, क्योंकि जब इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि बार बार अब डिफरेंशिएशन ना करके इतना हम क्या करेंगे, चुपचाप इसमें कि वेरिएबल का जो कोफिशियंट रहेगा ना उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या हमारी बातें आपको समझ आ रही है, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ आपको, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब साइन का डिफरेंशिएशन करिएगा तो साइन का तो हम जानते हैं कॉस होता है, कॉस लिख दिए, एंगल में जो रहे कॉस के साथ पहले छाप दीजिए, यहाँ तक कुछ नहीं करना है, साइन का कॉस लिखे एंगल में जो रहे उसको छापिए जैसे कहता है सर। उसके बाद क्या करना था, मैंने आपको सिखाया था एंगल वाले का भी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। हमने आपको सिखाया कि एंगल वाले का भी डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो जैसे ही आप देखिए एंगल का डिफरेंशिएशन हम किए, एंगल में क्या था यहाँ 2x प्लस 3, तो हमने भी यहाँ 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन किया, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो 3 ये कांस्टेंट था ना उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो। तो फाइनली ये बना क्या है, 2 ही बना है। तो हम अब ये कह सकते हैं यहाँ से कि आपको इसका पूरा का डिफरेंशिएशन ना करके आप क्या करें, सिर्फ देख लीजिए वेरिएबल एक्स है ना उसका कोफिशियंट क्या है, उसका कोफिशियंट जो कांस्टेंट है सिंपल उसी से मल्टीप्लाई करा दीजिए, हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, देखिए तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम क्या बोले थे आपको कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करिएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करके भी दिखाएं, तो ये 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो। तो इसीलिए हम जब भी इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन है आपको, तो सिंपल वेरिएबल एक्स को देखना है, उसका जो कोफिशियंट होगा उससे मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 cos 2x plus 3, क्या हो गया इसका आंसर, 2 cos 2x plus 3। देखिएगा अब सर एक बात मेरे को बताइए, दूसरा कुछ क्वेश्चन करके बताइए, तो सर देखिए करके दिखाते हैं आपको, dy dx ऑफ, सर ये बताइए ना जरा हमको, sin 5x minus 6, सर माइनस में रहे तो क्या करेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट माइनस में रहे प्लस में रहे उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे सर देखिए आप यही ना कहे थे, साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेगा, कॉस। तो हम कह रहे हाँ भाई लिख दो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया, कॉस लिखे। और फिर हम क्या बोले थे, एंगल में जो है उसको छापना है, तो इसको छाप दो, कितना है एंगल में, 5x minus 6, ठीक है। अब हम आपको क्या सिखाया कि सिर्फ आपको वेरिएबल ढूंढना है, वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स का कोफिशियंट क्या है, तो सर यहाँ तो 5 है, तो भाई 5 है तो 5 से क्या करो मल्टीप्लाई करा दो, वेरिएबल का जो कोफिशियंट आप पता कर लीजिए, तो उससे क्या करिएगा 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, जो भी कोफिशियंट है उससे मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ 5 है तो हम 5 से करा रहे हैं, अगर यहाँ 6 होता तो हम 6 से कराते, तो 5x minus 6, और ये अपना आंसर होगा। कह रहे सर अब हम समझ गए, अब आप साइन में बोल दिए, साइन में एक समझा दिया, तो हम कॉस टैन से एक सब में लिख देंगे, ठीक है ना, आप लिख दीजिएगा, बाकी हम पैटर्न जो बताएं वही आपको करना है, इसी तरीके से एक हम बता दिए बाकी को आपको लिखना है, इसी तरीके से हम कुछ एग्जांपल आपको लिख देते हैं, आप लिखिएगा इसको घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है, फिर हमको आंसर बताइएगा कितना आएगा, ठीक है। आप कमेंट करिएगा, कोशिश करिएगा कमेंट में लिख सके, वर्ड में भी आप लिख सकते हैं, तो आप कोशिश करिएगा लिख के बताएगा कितना आएगा। देखिए हम आपको कुछ कुछ देते हैं, आप करिएगा जो घर पर लिखिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्या आप लिखिएगा dy dx ऑफ cos 6x minus 7 इक्वल टू कितना होगा, फिर लिखिएगा dy dx ऑफ cos√2x-3 प्लस 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका लिखिएगा, फिर आप लिखिएगा
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थ्री एक्स प्लस फाइव, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, फिर आप लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखिएगा, सेक सेक थ्री एक्स माइनस सेवन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन लिखिएगा क्या होगा ये, और फिर आप लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा, और इसका लिखिएगा कितना, कुछ भी जैसे एंगल में दे दूँ, सेवन एक्स माइनस नाइन, इसका कितना होगा। ठीक है, एक मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, ऐसे आप समझ गए होंगे, फिर भी एक कोसेक का करके दिखाता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक नाइन एक्स प्लस का टेन, मान लीजिए ऐसा है। तो हमने आपको कॉस में क्या सिखाया था, हमने बोला था जब भी सी से शुरू हो तो आप माइनस पहले दे दीजिए माइनस, फिर हम क्या बोले थे, कॉसेक है तो इसको एक बार लिख दीजिए कॉसेक, एंगल में जो है छापिए, एंगल में क्या है नाइन एक्स प्लस टेन, छाप दिए। फिर हम क्या बोले थे, कॉस है तो इसके साथ क्या लिखिएगा, कॉट लिख दीजिए कॉट, एंगल में है जो छापिए, तो नाइन एक्स प्लस टेन, छाप दिए। फिर हम क्या बोले थे कि आप वेरिएबल देखिए, वेरिएबल क्या है एक्स, एक्स का कोफिशियंट क्या है, तो सर यहाँ तो नाइन है, तो नाइन से क्या करिए लास्ट में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इसका आंसर जो फाइनल बनेगा नाइन कोसेक, ठीक है, नाइन कोसेक नाइन एक्स प्लस टेन इंटू कॉट नाइन एक्स प्लस टेन, और ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इतने सारे का क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा और फिर हमको बताइएगा कितना आएगा। ठीक है, चलिए अब हटाते हैं, अब हम लोग फार्मूला पे बढ़ते हैं, अगला फार्मूला क्या कहता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हमने कर दिया है, बाकी का और फार्मूले सभी है, बहुत सारे फार्मूले हैं, उसको हम डिस्कशन करेंगे आज। देखिएगा, देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, इसका क्या फार्मूला होता है। देखिए इसको ऐसे हम लोग याद करते हैं, वेरिएबल का पावर क्या है, ये कांस्टेंट है, क्या है ये, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। वेरिएबल किसको बोलता हूँ अपन, वेरिएबल एक्स को बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ सर वेरिएबल आप इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसलिए बोलते हैं ना कि एक्स फिक्स नहीं होता, एक्स का कई बार हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होता है। ठीक है, तो इसको अपन वेरिएबल बोलते हैं, और इसको एन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, एन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वेरिएबल ऊपर में कांस्टेंट आएगा, ठीक है, ऊपर में कोई कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम लोग क्या किस फॉर्म से याद करते हैं, इसको याद रखते हैं हम लोग वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। अब इसको ऐसे भी याद रखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल इसका पावर क्या है, कांस्टेंट। मैं लिखता हूँ, आप ऐसे समझने के लिए याद रखिएगा, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, आप इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा रहे तो हम लोग क्या कहते हैं ना कि भाई वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है ना, तो इसमें करो क्या ना कि कांस्टेंट जो है ना उसको बुलाओ नीचे, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं भाई, बाहर आ जाए, कांस्टेंट को नीचे बुलाते हैं एन, और फिर बोलते हैं भाई ब्रैकेट में आ जाओ वेरिएबल एक्स, फिर बोलते हैं ना भाई कि क्या करो एन में से जो कांस्टेंट है उसमें से एक घटा दो। कह रहे सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन बन गया, हम कह रहे हाँ यही बन गया, ये क्या हो गया आपका एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, जहाँ एन क्या होगा ना भाई रियल नंबर है, एन क्या है रियल नंबर है। ठीक है, एन बिलोंग्स टू आर, देखिए और हम लोग यहाँ रियल नंबर पे ही बात कर रहे हैं, जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात ही नहीं कर रहे, रियल नंबर पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन इंटू एक्स का पावर एन एन माइनस वन। हम लोग कैसे इसको पढ़ते हैं, वेरिएबल का पावर कॉन्स्टेंट, कैसे पढ़ते हैं हम लोग वेरिएबल का पावर कॉन्स्टेंट। तो सर जरा एक बात बताइए कि आप एक क्वेश्चन जरा करके दिखाइए हमको, हम कह रहे लो भाई कर लेते हैं आपके लिए, डी वाई डी एक्स ऑफ सर x का पावर फाइव करिए तो ज़रा, तो हम बोलते हैं आपको इसको ऐसे देखिए, वेरिएबल x है ऊपर कांस्टेंट क्या है फाइव, तो आप इसको क्या करिए कांस्टेंट को बुलाइए, कांस्टेंट को बाहर बुला लिए, वेरिएबल क्या है x, तो x इसका पावर क्या करिए फाइव में से वन घटा दीजिए, तो इस जगह फाइव x का पावर और फाइव में से वन घटेगा तो कितना हो जाएगा फोर, तो इसका आंसर कितना आएगा फाइव x का पावर फोर, इसका आंसर कितना आ गया जी फाइव x का पावर फोर। कह रहे सर थोड़ा बड़ा पावर भी कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं, कितना भी रहे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ध्यान रखे वेरिएबल और कांस्टेंट होना चाहिए। कहते सर करिए तो एक जरा देख ले, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर हंड्रेड मान लीजिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हंड्रेड एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बुलाओ बाहर, बुलाते हैं, फिर एक्स
यहाँ लिखो, फिर क्या करो 100 में से 1 घटा दो, तो इसको क्या बन जाएगा भाई, 100 इंटू एक्स का पावर 99। क्या बन जाएगा, 100 इंटू एक्स का पावर 99। ठीक है, उम्मीद करते ये आपको समझ आया होगा फार्मूला। अब हमको इसको याद कैसे रखते हैं, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, कैसे याद रखते हैं इसको, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। आप इसको याद बॉक्स बना लीजिएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n होता है ना, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होता है, इसको बॉक्स बनाते जाइएगा आप। ठीक है, चलिए अब दूसरा फार्मूला पे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा एक और फार्मूलेज आपको कराते हैं, अभी और फार्मूलेज है। देखिएगा अब क्या कहते हैं ना भाई, देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ, हम बोलते हैं ना कांस्टेंट अगर है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो इसको आप चुपचाप क्या लिख दीजिएगा, जीरो। जब भी कांस्टेंट लिखे इसको ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है, डी वाई डी एक्स ऑफ ऊपर में सी लिखा है, इसका मतलब हो जाता है कि ऊपर में जो कांस्टेंट सी लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है। कह रहे हैं आप उसको पावर फार्मूले वाले से आप देख सकते हैं कैसे होता है, जीरो आप देख लीजिएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए हम जानते हैं 3 एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 3 करते हैं। देखिए जरा इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, 3 को डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख दे, 3 और एक्स का पावर 0 लिख दे, कोई दिक्कत है क्या। कह रहे सर यहाँ तो एक्स का पावर 0 नहीं था, आप ला दिए। हाँ भाई क्या दिक्कत है, एक्स का पावर 0 का अपन क्या बोलेंगे, 1 है ना। तो कह रहे हैं कि सर 1 ला दिए, तो 1 तो किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से, कर सकते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए हम क्या किए, 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स का पावर 0। सर आप ये बताए थे थोड़े पहले क्वेश्चन करा देते कि जो कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेंगे, तो क्या हम कर लें यहाँ बाहर, हम बोलते हाँ भाई कर लो बाहर, क्या करेंगे इसको बाहर कर लेते, तो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 0। सर हमको ये वाला थोड़ा फील आ रहा है कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट वाला इसमें लगा सकते हैं क्या, कह रहे लगा लो। अगर जैसे मान लीजिए ऐसे आप सोचिएगा, तो इसको क्या करते हैं 3 इंटू 0 और x का पावर 0 माइनस 0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू और 0 और x का पावर 0 माइनस 0, 0 ही रहेगा, क्या कटेगा, कितना घटेगा 0 में से 0 घटेगा, कह रहे कि कट जाएगा 0, 0 रहेगा, ठीक है 0 से छोटा क्या लिखेगा, तो ऐसा बन गया। अब यहाँ पे देखिए ना, जैसे ये वाला 0 है ना, कि 3 इंटू 0 जैसे ही करेंगे हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, इसलिए हमने आपको इस तरीके से बता दिए कि ये 0 ही आएगा। ठीक है, आपको इतना नहीं, आप सिंपल सा ये याद रखिएगा कि जब भी आपको कांस्टेंट दिखे तो आप उसको उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेगा, 0 लिख दीजिएगा। जब भी आपको कांस्टेंट कहीं दिखे उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेगा, 0 लिखेगा। कह रहे सर एक बताइए एग्जाम्पल करके, तो लीजिए एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू दिया है 5x + 10, ठीक है, तो आप कहते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ, और ये हो जाएगा कितना 5x + 10, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमने आपको बोला अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करिए, तो 5x और डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 10। अब क्या बोलते हैं ना कि 5x है तो 5 को बाहर कर लो, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस, ठीक है x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ, और डी बाई डी एक्स और ये 10 का डिफरेंशिएशन, हम लिख देते हैं आगे कांस्टेंट, इसको 0 लिखते हैं, तो ये तो 5 हो गया इंटू 1 हो गया, अब प्लस कांस्टेंट का क्या लिखे 0, तो क्या बन गया 5 बन गया, फाइनली इसका आंसर क्या आया 5 आया। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं भी कांस्टेंट दिखे तो उसका डिफरेंशिएशन आप आराम से लिख दीजिएगा क्या, 0, उसका डिफरेंशिएशन आप आराम से 0 लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, आपको समझ आया होगा, चलिए बढ़ते हम लोग अगले फार्मूले पे। अब ये भी फार्मूले से लिखिएगा, देखिए क्या अब देखिए मैं आपको अभी पढ़ा था क्या वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, अब पढ़ाता हूँ कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो, कहते सर ये क्या बोल रहे हैं आप, देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, इसको पढ़ते कैसे हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ इसको पढ़ते कांस्टेंट, कांस्टेंट इसका पावर क्या है वेरिएबल, ठीक है वेरिएबल एल छूट गया है, ठीक है देखिए ए क्या है कांस्टेंट है, ए एक नंबर है,
कोई नंबर है, ए एक कॉन्स्टेंट है, इसका पास वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है, एक्स क्या है एक वेरिएबल, वेरिएबल के तौर पे हम लोग मैथमेटिक्स में एक्स को यूज करते हैं, ठीक है, और ए को एज ए कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ना कि जब भी आपको कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल लिखना है ना, तो आप क्या करिए ना कि जब भी आपको कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल लिखना है, क्या करिए उसको पहले तो उसी को छाप दीजिए। करना क्या है, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपको कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल दिखे तो क्या करिए, जो दिख रहा है ना आपको उसी को पहले छापिए। क्या करना है आपको कि जब भी आपको कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल देखे, जो आपको दिखे उसी को छाप दीजिए, उसके बाद क्या करिएगा कॉन्स्टेंट का लॉग ले लीजिएगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ उसको लिख के दिखा दो, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे ए टू दी पावर एक्स, तो मैं इसको लिखता हूँ ए टू दी पावर एक्स लिख दीजिए इंटू, अब क्या बोल रहा हूँ कि इंटू में कर दीजिएगा कॉन्स्टेंट का लॉग, तो कॉन्स्टेंट कौन है ए, तो इसका मतलब लॉग ए लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए लॉग ए। अगर मैं बेस कुछ ना बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ई बेस है, क्या बेस है इसका ए, ठीक है, इसका क्या बेस है ई, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा लॉग ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। कई बार ऐसा भी आपको दिखेगा बुक में ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए, एल एन ए किसको बोलते हैं, जब बेस ई लेते हैं ना कि एल एन ए तब लिखते हैं इसको, किसी भी लॉग का जब बेस ई होता है तो हम उसको एल एन ए भी लिखते हैं, जैसे इसका ए का तो हम कॉन्स्टेंट पे बात ही नहीं कर रहे, जब भी बेस होता है तो एल एन लिखते हैं जब बेस ई होता है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए, तो आप इसको बॉक्स बना लीजिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए ही आप याद करिए, ठीक है, एल एन ए क्या याद करिएगा एल एन ए, ये क्या है लॉग है जिसका बेस है एल एन, क्या है ये लॉग है जिसका बेस क्या है ई है, जब बेस ई होता है तो हम लोग एल एन ए एल एन लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब हम आपको इसको एग्जांपल करा के दिखाते हैं, देखिए जरा कह रहे सर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कह रहे थे, मान लीजिए फाइव का पावर एक्स है तो इसको क्या लिखेगा, तो हम क्या सिखाएं आपको कि जो भी आपको कॉन्स्टेंट के पास वेरिएबल देखे ना पहले उसको छाप दीजिए, छाप दीजिए फाइव का पावर एक्स, फिर हम क्या बोले इंटू कर दीजिए एल एन ए, तो ए की जगह पे यहाँ क्या है फाइव है, तो ये क्या हो जाएगा एल एन फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव का पावर एक्स एल एन फाइव, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और रहे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टू दी पावर एक्स रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको देखिए कितना हो जाएगा टेन टू दी पावर एक्स पहले लिखना है, जो भी आपको कॉन्स्टेंट का पावर, जो भी आपको कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल देखे उसको छाप दीजिए, छाप दिए, ठीक है, फिर कांस्टेंट का एल एन लिख देना है एल एन टेन, तो इसका हो जाएगा टेन एक्स टेन टू द पावर एक्स एल एन टेन, क्या हो जाएगा टेन टू द पावर एक्स एल एन टेन, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले फॉर्मूले पे करते हैं, आप देखिए अब देखिएगा अब लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, एल एन एक्स या इसको आप ऐसे भी लिखा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग में लिखिएगा, तो लॉग बेस ई एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना भाई ये वन बाई एक्स हो जाता है, वन बाई एक्स मतलब वन बाई वेरिएबल, जो भी वेरिएबल यहाँ है वो आ जाता है, कैसे जैसे यहाँ पे वेरिएबल है तो ये एक्स क्या है वेरिएबल है, तो जो भी वेरिएबल रहे वो वन अपॉन वही वेरिएबल हो जाता है, कहते सर एक एग्जांपल समझाइए ज़्यादा, तो करके दिखाते, वैसे आप याद रखिएगा कि एल एन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स होता है, या एल एन एक्स लिख के आपको कहीं दिखा रहा है या आपको ऐसा लिखा है लॉग बेस ई और एक्स, ये दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा दोनों, बस इसी दोनों को आप ऐसे याद रखिए, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करा के दिखाते हैं आपको, देखिए ज़्यादा डी बाई डी एक्स ऑफ, अब मान लीजिए ऐसा है लॉग, मान लीजिए लॉग साइन एक्स है, या ऐसा लॉग साइन एक्स या एल एन साइन एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ एल एन साइन एक्स, ठीक है, एल एन साइन एक्स क्या लिखा हुआ है एल एन साइन एक्स, तो इसको क्या लिखना है इसका डिफ्रेंसिएशन वन बाई, हमने क्या बोला वेरिएबल जो है साइन एक्स का एक वेरिएबल है, तो वन बाई वेरिएबल साइन एक्स, कह रहे सर वन बाई साइन एक्स, सर ये भी देखिए साइन एक्स भी हमको दिख रहा है, ये तो आप बोल दिए कि एल एन में रहे तो या लॉग में रहे, लॉग साइन एक्स लिखा रहे या एल एन साइन एक्स लिखा रहे, तो वन बाई वेरिएबल लिखना है, तो यहाँ साइन एक्स वेरिएबल था तो हम लिख दिया वन बाई साइन एक्स, सर ये भी तो आप पढ़ाया था साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन भी दिख रहे, तो क्या हम यहाँ साइन का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हम बोलते हाँ भाई यहाँ
चैन रूल आगे पढ़ाएंगे उसमें यही कहता है कि फंक्शन बाई फंक्शन हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो करेंगे हम लोग। तो जब भी आपको जो भी वेरिएबल दिखता है सबका डिफ्रेंशिएशन होगा, जितना भी वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिखे सारा का डिफ्रेंशिएशन होगा, इनटू में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ देखिए ln, पहले तो हम इस log का डिफ्रेंशिएशन किए थे, ये क्या हो गया 1/x, 1/ वेरिएबल। ठीक है, अब फिर हम साइन का करते हैं, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos और एंगल में जो रहता है वही छापते हैं। साइन का क्या होता है, cos एंगल में जो रहता है वही छापते हैं। और फिर x का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे ना x के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 ही हो जाएगा। कई बार इसीलिए लोग इस 1 को लिखता ही नहीं है। ठीक है, अगर x का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए लोग इसको लिखते ही नहीं है। ऐसा डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 1/sin x into cos x। ठीक है, अब जैसे लिखिएगा इसको तो cos x by ये क्या हो जाएगा sin x, कितना हो जाएगा cos x by ये cos x अपॉन में क्या हो जाएगा sin x, cos x by sin x। और आपको पता है cos x by sin x क्या होता है, cot x होता है। cos x by sin x क्या होता है, cot x होता है। cos x by sin x क्या होता है, cot x। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे हम लिखते हैं, कि आप याद रखिएगा कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, हम इसी तीन चार कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, वो होमवर्क के तौर पे आप करिएगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, मान लीजिए y बराबर 5x³ + 10x² - 6x + 10 + 10 लिख दीजिए, या कुछ भी 20 लिख दीजिए। ठीक है, ये लिखा हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, इस सब में आपको निकालना है डिवाइडेड, मैं लास्ट में लिख दूंगा वो। दूसरा लिखिएगा y इक्वल टू 9x - 3। तीसरा लिखिएगा, ठीक, अभी बेसिक्स, ये क्वेश्चंस अभी बहुत इजी क्वेश्चंस सब करा रहे हैं आपको, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा फिर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है अभी। ठीक है, फिर आप लिखिएगा y इक्वल टू log cot x, y इक्वल टू log cot x, जब log बोल रहे थे यहाँ बेस क्या है, e है, y इक्वल टू log cot x। तीसरा लिखिएगा, चौथा y इक्वल टू a^sin x, y इक्वल टू a^sin x, a^sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। पांचवा लिखिएगा y इक्वल टू 9 का पावर sin 3x। ठीक है, 9 का पावर sin 3x। और आप सब में आपको क्या करना है, फाइंड dy/dx। सिंपल सा आपको करना है, यही करना है। अभी क्या करना है आपको, इतना 5 क्वेश्चन सब लिखे हैं, पांचों में आपको क्या करना है कि आपको dy/dx यहाँ निकाल के दिखाना है। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन लिखे हैं आपको, अब करिएगा इसको, अब से बनेगा ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे अगले वाले लेक्चर में हम क्या करें, इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पढ़ाएंगे, इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हम आपको फॉर्मूले जी लिखेंगे, सवाल हम उसको अभी नहीं, इनवर्स का डिफरेंशिएशन सवाल आप उसको बाद में कराएंगे। ठीक है, इनवर्स का डिफरेंशिएशन पर सवाल इसलिए अभी नहीं कराएंगे क्योंकि आपको हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ा ही नहीं है, हम आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ा ही नहीं है, इनवर्स पर डायरेक्ट सवाल करवाने लगूँ तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। बनेगा सवाल तो मैं बना ही दूंगा, आपसे भी कुछ बन जाएंगे लेकिन आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, तो इसलिए इनवर्स का फार्मूला तो मैं सारा लिखूंगा, फार्मूला सब बता दूंगा अभी, लेकिन जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ा करके तब आपको डिफरेंशिएशन कराएंगे ताकि आपको ईजी लगे वो। ठीक है, क्योंकि इनवर्स में कई बार होता है कि हम लोग इनवर्स को पहले सॉल्व करते हैं तब उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, इसलिए मैं आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं से फार्मूला बना के निकल जाऊंगा, आगे मैं डिफरेंशिएशन आगे कराने लगूंगा, उसके बाद जब इनवर्स फिर बीच में पढ़ा लूंगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पूरा चैप्टर, फिर मैं पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करिए, सारे चीज़ों को लेक्चर 6 में जो आज तक हमने पढ़ाया है उसको आप एक कॉपी में फिर से लिखते जाइएगा, आप नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, आप नोट्स बनाइएगा ताकि आपके पास नोट्स तैयार है, और ये पढ़ते रहिए। ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपको बुक से भी होमवर्क धीरे धीरे करवाने लगूंगा, आगे हमको और लेक्चर में बढ़ने दीजिए। ठीक है, चलिए आप सेफ रहिए, घर पर रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ इस लेक्चर को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू।